इस वीडियो में भी देखें कि वो जब मेरे ऊपर चीख रहे हैं और गाली गलौज का मामला कर रहे हैं, तो साथ उनके एक पीर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5,000 का नोट निकाल के उनको दिया, उन्होंने वो ले लिया उसी दौरान। चलो बंदा थोड़ी शर्म आया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मत, वो असल में वो 5,000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के और बोल, ठीक है कोई नहीं। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, कोई महीने डेढ़ बाद उन्होंने पूछल से पैर रख छड़ना, मैं पूछल से पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कता रहता है। तो कोई महीना डेढ़ लंघ गया ही पूछल से पैर रखे, लो जी शाह साहब की मौजूदगी मैं फिर रख चढ़िया जिधर है जी। हाँ उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना उसको जरा बड़ा तड़फदा है जी, चूड़िया जी तो मुंह ना मत्था ते जिन पाड़ू लथा है, कहां गौसे पाक कहां तू जेलमी का जेलम का कीड़ा है। ए काफिर है मनु साहब जी, ए काफिर है मनु साहब जी, ए काफिर है मनु साहब जी। जितना ये बोलेंगे मैं उतना ही बोलूंगा जवाब में, ताकि अवाम को एजुकेट करूं। जी मेरे भाई ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है, क्योंकि ये जहां पे जुमा पढ़ाते हैं ना वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहां के नमाजी इनके मुंह से मेरी तारीफें सुन सुन के अल्लाह के फजल से रिवर्ट होके यहां पे आ चुके हैं। तो ये बंदा साइकिल पे आया था और आज इनके पास गाड़ियां देखें, ये सब कुछ दीन से कमाया। ये सिलसिला इन्होंने ऑलमोस्ट 2018 के अंदर शुरू किया था, जब ये इनकी पहली वो वीडियो मशहूर जमाना आई थी कि ये क्या हुआ, हाँ तेरी किताबें तेरा कैमरा तेरे ही लोग, ठीक है। अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है, वो तो उसको तो रजी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना उसको तो वो नजर आ रहे हैं, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वक्री एक जहां होता है, ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना है इंशाल्लाह। मेरा इरादा बन रहा है क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनुज तू, तुझे क्या पता बाबे होते क्या, तुझे क्या पता बाजी कहते किसको, कहीं वो तो नहीं है जिसने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा बाजीद बुस्तामी, हाँ और तुम्हारे मौलवी दिफा कर रहे हैं कि अल्लाह बोल रहा था उनके मुंह से, और अल्लाह तो नबी के मुंह से नहीं बोलता। वहां में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो उनको वही की जाती है। और तू हर वक्त बायजीद फकरे बायजीद फकरे जुनेद व बायजीद ये वो शेर पढ़ता रहता है डॉक्टर इकबाल के, भाई हमें ये इख्तलाफ है क्यों उसने कहा लिवाई आजम मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क़यामत के दिन का झंडा तो हमारे नबी इस्लाम के पास होगा। हाँ और ये डिफेंड करते हैं इसको, तो भाई अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है इनका ईमान बचाना है तो इन सारे वाकयात को झूठ कह दो। तुझे क्या खबर जुनैद की सस्ती का नाम है, इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी इंशाल्लाह। बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। अभी बकवास कर रहे हैं अपने कमरे में बैठ, ये क्या हुआ तेरा कमरा तेरा कैमरा तेरे ही लोग, तेरी किताबें तेरी बातें, किसी ने हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई, तेरी अपनी दुनिया तेरी अपनी बातें, ये क्या हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी देखो ना, तू क्या भाई अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है, हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड ही नहीं, हम तो दुरूद वाले हैं, हम नहीं बुरूद वाले, हमारा दुरूद ही हमारा बुरूद है, हमें नहीं लोड कोई भी अदरत, हाँ बुलाए ना अदरत अगर वो इतना ही सच्चा है। अगर असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं, बात इतनी जल्दी नहीं है जी, अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू हक वाला जम पड़ा है। और ये डिफेंड करते हैं इसको, तो भाई अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है इनका ईमान बचाना है तो इन सारे वाकयात को झूठ कह दो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। यजीदी पार्टी, हाँ हाँ अभी वो मुफ्ती साहब से निकल गए ना, हम तो अपने कुत्तों के नाम भी यजीद ना रखें, आए तू अपने कुत्ते का नाम यजीद ना रखे ते तेरा बाबा बायजीद बुस्तामी वो अपने पुत्र का नाम यजीद रखे, अपनी कुनियत अबू यजीद रखे, किधर दिमाग गया मेरा। और देखें इनके मुंह से कैसी बात अल्लाह ने निकलवा दी है कि हम तो अपने कुत्तों के नाम भी ना रखें। और बाजीद बुस्तामी के बारे में इनका दावा है कि वो इमाम जाफर सादिक का मुरीद था और वो भी कब्र पे, ओए इमाम जाफर के मानने वाले आज अपने बच्चों के नाम यजीद ना रखें, जो डायरेक्ट मुरीद था उसने कैसे अबू यजीद अपनी कुनियत रख ली। और देख लो तुम्हारा ये इमाम बायजीद बुस्तामी 261 हिजरी में फौत हुआ है,
اس کی کنیت ہے ابو یزید، اور ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. پھر فرق دیکھ لو، پھر یہ ہمارا امام مسلم لے کے آیا صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. امام مسلم ہی لے کے آئے ہیں ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغے جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہے گا مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. تو دیکھ لیا فرق پھر. اے نہیں جی جائز تے ہے نا، اور رہو نا، ہاں رہو اپنے بچوں کے نام یزید، تاکہ تمہارے بچے جب سکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے دماغ میں ڈرل کرتی ہیں. دنیا میں بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھی، قرآن 1400 سال سے تھا، چینج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ انہوں نے چک ہی نہیں سی کسی نے وڈیا میرے ورگا. ہاں لوگ ان کے ساتھ بچارے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے، ان کو ان کی زبان میں بتانا ہے. یہ ہے جس کو قرآن میں حکم دیا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، ان سے مجادلہ کرو. یہ اس کو میں نے نام دیا انجینئر کی ڈاکٹرین. ہاں میری ڈاکٹرین ہے، میں ڈاکٹر بھی ہاں انجینئر بھی ہاں تے سرجن بھی ہاں. ہاں جتھے چیرے دی ضرورت پیندی ہے چیرہ بھی لانا اللہ دے فضل نال، اور بیہوش بھی نہیں کرتا. ہاں